Congratulations. पागल हो गए हो क्या? अरे मेरी बहू गुजर चुकी है. Now. भागो. नर्मदा तो जेल मा बाजरो पीस. ए भाई ओ. माजी उसने मान लिया कि आप मेरी छोटी सास से मान लिया चकुड़ी. इतने भोले हैं सब के सब. काका मुरली ने पुलिस से बचने के लिए भेस बदला है. ये किसी को नहीं पता चला. लेकिन मैं पहचान गई हूँ. चकुड़ी. हाँ बा. तेरे खाली दिमाग में क्या चल रहा है बेटा? कुछ नहीं बा. मैं दादी सास के लिए चाय बना के लेके आती हूँ. रुक जा भैरवी. चाय तो अब ये जन्म जली कामचोर और कंगाल की बेटी. हाँ कंगाल की बेटी भावना ही बनाएगी. कहा बाबा? हाँ बा. जा बा. आपको यहाँ लाना नहीं चाहिए था बसंत. इंसानी शोक सभा को आपने शादी बना दी. इससे पहले हम में से कोई शोक सभा में गया था? लेकिन पापा उसको शोक सभा क्यों कहते हैं? वहाँ तो कोई अपना एक भी शोक पूरा नहीं कर रहा था. ना ही एक्टिंग करने का शोक, ना ही डांसिंग का शोक. कुछ चुप चुप बैठे हुए थे और कोई कोई तो रो भी रहा था. नहीं नहीं हेमंत हेमंत, लॉजिकली उसे शोक सभा नहीं, उसे शोक सभा कहते हैं. यानी सबको सदमा. सब वहाँ पे शोक में थे ना. शौक? हाँ. कौन सा वाला? स्त्री का शौक या टीवी की स्विच चालू करने का शौक? वाह 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 वाह. एडिसन और आइंस्टाइन गप्पे मार रहे, डिस्कशन चल रहा है. अरे शौक नहीं होता वो, शोक होता है. शोक शोक मतलब दुख व्यक्त करने की इंसानों वाली सभा, जिसमें वो इंसान फोटो लगाते हैं और फिर अपना दुख व्यक्त करते हैं. इतना अच्छा ऐसा. इस गेंडे को तो अक्ल है नहीं. तू मुंह ही खोल मत ना. जब खोलता तो उसके लिए मुंह खोलता है. गेंडा कहीं का तू लेकर आए इसे हम लोग. आओ आओ. क्या दब दब कर रहा है? इधर तो गोरिल्ला हो गया अभी गेंडे का. आप तो शांति रखिए ना बस. कर रहा है पापा. वो देखिए हम सब की भी शोक सभा. ऐसी वाली फोटो किसने लगाई मेरी? जिस किसी ने भी लगाई है उसके पास अच्छी वाली फोटो नहीं थी. ओए गेंडम्मा पढ़ो क्या लिखा है. फरार. नीचे देखो, खबर देने वाले को रुपए 50,000 का इनाम. संपर्क चंपक नगर पुलिस स्टेशन. चुप रहो. भाई और बहनों आइए 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 आइए. देखिए मेरा नाम हेमंत है. हेमंत देखिए मेरी फोटो लगी है. यहाँ पे देख क्या लिखा है. खबर देने वाले को रुपए 50,000 का इनाम. पापा इसीलिए तो मैं खबर दे रहा हूँ ताकि ये 50,000 रुपए मुझे मिल जाए. भाइयों भाइयों और बहनों. अरे भैया पुलिस आ गई. चुप बैठ जा. नीचे उतर नीचे उतर. शरद दो दलों में बच जा. शरद मेरे साथ भागो. वर्षा इस गेंडे को उतारो और भागो तुम. हेमंत चलो भागो. ये तो घोटाला फैमिली है. होल्डर पकड़ो इनको. रुको शरद रुक. क्या हुआ? वो देख गुंडा देख. चल उतर चल पुलिस स्टेशन चल. पहले मेरे 50,000 रुपए लाइए. क्या करूं? किसी का फोन नहीं. भावना आंटी को फोन करती हूँ. जल्दी उतर नीचे. पहले मेरे 50,000 रुपए लाइए.
अरे वाह, प्यारे चाचा और पापा भी आ गए। अब तो तीन तीन 50,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मम्मी तो नहीं है, वरना 4-50,000 रुपए मिलते, है ना पापा? ओ ग्लास अपने घर से मैं लाऊंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ए चकुड़ी। हाँ बा? ये ले साड़ी पकड़। हाँ देख देख देख, साड़ी लेकर आई हूँ मैं तेरे लिए। अरे वाह साड़ी, किस लिए बा? जेल में पहनने के लिए। आज तो तुझे खूंखार कैदियों के बदले में एक्सचेंज करके जेल भेज कर ही रहूंगी मैं। क्या? हाँ, मैंने पुलिस में फोन भी कर दिया है, वो आती होगी तुझे ले जाने के लिए। लेकिन क्यों बा? मेरा गुनाह क्या है? ये देख, ये क्या सब्जी बनाई है तूने? आलू मटर और केले की भरी हुई सब्जी। ये देख, मटर तूने छिलके के साथ डाल दिए पूरे के पूरे सब्जी में। हाँ? तो ऐसा ही तो करने को कहा था आपने बा? मैंने कहा था ऐसा करने के लिए? हाँ, आप ही तो बोले थे कि आलू मटर की भरेली सब्जी बना और उसमें केले भी डालना, और हाँ चकुड़ी, सब्जी छिलके के साथ बनाना। अरे डोबी बुद्धि वगरनी, मेरे कहने का मतलब था कि केले छिलके के साथ डालना, मटर नहीं। फिर से वही गलती बा, बाद में मतलब समझाने बैठी है आप। अरे डपोड़, माना मैंने तुझे, मतलब बाद में समझाया, मेरी गलती मैंने माना। अरे पर तुझे बुद्धि नहीं है, कोई मटर छिलके के साथ डालता है सब्जी में? हाँ, मेरी बहन कल्याणी तो प्याज भी छिलके के साथ पकाती है पूरे के पूरे, ताकि आग सासु ना निकले बा। तेरी किटे था था। तो उसे भी जेल भेजूंगी। रुक, अभी पुलिस आती ही होगी। बाबा, एक और काल कोठरी बुक करना जेल में कल्याणी के लिए। देखिए, मैं आपको गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ, मैं मिस्टर मुरलीधर ओझा की तलाश में आया हूँ। क्या आपको पता है वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, काका मुरली को कहाँ छुपाया है हमारे घर में। क्या मतलब आपको पता है कि वो कहाँ छुपे आपके घर में? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि मिस्टर ओझा कहाँ छुपे हुए, तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जन्म जली, कामचोर, कंगाल की बेटी, तू भैरवी को क्यों कोस रही है? तूने ही उसे ठीक से नहीं बताया, इसीलिए उसने सब्जी में मटर छिलकों के साथ डाल दी। अंधा धुंध की साहबी और घटा टोप को राज। ओ मारवाड़ी सासुमा, आपको भी भैरवी के साथ जेल में डाल दूंगी। ओ राजस्थानी नट सम्राट, अब ये रूप में सेटल क्या हो गए? हैं? चुपचाप बैठे रहिए ना। अरे ओ लाजो कहीं बोलो ना। तो जैसे ही भैरवी को आते हुए देखते हैं, धड़ाधड़ नई नई कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। आपने और एक कहानी बनाई पापा? वकील बाबू की मदद से मैं जेल तोड़ के भाग गई। फिर टट्टू पर बैठकर मैं और वकील साहब निकल पड़े। वकील बाबू को जंगल में मगरमच्छ खा गया। चुप कर जन्म जली। और मैं अबला नारी डाकू बन गई, डाकू रानी नर्मदा।
और मुझे फिर से पकड़ने के लिए पुलिस आ गई। सच में पुलिस आ गई। दिखा चुप रहो। साथ में डेंजर की साइन भी है, एक खोपड़ी दो हड्डी। सासुगिरी कीजिए। सासुगिरी। हाँ माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, बदकिस्मती से बेवकूफियां करना गुनाह नहीं माना जाता, वरना इस करमजली को कौड़े मार मार के मार मार के मार मार के मार मार के। चलिए अंदर चलिए, वो दवाई का टाइम हो गया इनका। जाओ जाओ। रुको, रवि क्या यही है? हाँ यही है। कौन? ये तो भावना भाभी की सास है। आज ही मिली मुझे जंगल में, मार्केट से मिली। आप बा मुझे आप भीख मांग रही थी, भूल गई? भावना, मैं तो डाकू हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। वो बुड्ढी हो गई है ना, तो थोड़ी सठिया गई है। देखा इंस्पेक्टर साहब, देखा आपने, ये लोग कितने भोले हैं। काका मुरली ने तो सबको यकीन दिला दिया कि वो नर्मदा मासी है। नहीं नहीं, अब सुन चाकुड़ी। अरे चाकुड़ी सुन, जबकि सिर्फ मैं पहचान गई थी कि ये तो काका मुरली है। मिस्टर ओझा, यू आर अंडर अरेस्ट। के बोल रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं तो इनका सास हूँ। देखा भा, देखा। आप धोखा खा गई थी ना? धोखा तो मैं खा गई, तुझे समझदार समझ के इस घर की बहू बनाने में। तो बराबर। हेलो। अरे हाँ हाँ, पहुँच जाएगा, हम खुद फोन किए हैं उसको, चला जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ चलो रखो, बाय। भाई साहब, अरे फ्रूट ले लो बहन जी, तरबूज है, पपीता है, संतरा है, केला है। भाई साहब, मुझे फोन चाहिए। अरे फ्रूट की दुकान है, कोनो मोबाइल की थोड़ी है। मुझे मुझे ये आपका फोन चाहिए, अर्जेंट कॉल करना है। हमारे मोबाइल से? प्लीज भैया जी, इमरजेंसी है। हाँ ये लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। थैंक यू। चुप रे, एकदम चुप। तेरी वजह से पुलिस मुरली भाई को पकड़ के लेकर गई, जबकि तुझे लेकर जाना चाहिए था। अगर असली गुलूभा का पता नहीं चला तो वो मुरली भाई को। भावना काकी, घोटाला फैमिली का कहीं कोई अता पता नहीं है। एक नंबर की घनचक्कर फैमिली है, किसी के पास एक मोबाइल फोन तक नहीं है। Can you imagine? हाँ तो एना, उनके बाजू वाले के मोबाइल पे फोन करके बोलो कि हेलो भैया, आपके बाजू वाले घोटाला को फोन दीजिए ना। तेरी किटे, तेरी किटे, था था। अरे तू चुप रहने घोटाला पुत्री। मोबाइल फोन में बाजू वाले का केयर ऑफ नंबर नहीं होता है डफोल। भावना काकी, अगर उन्होंने असली गुलबा का पता ढूंढ के नहीं निकाला ना, तो पापा को काला पानी की सजा हो सकती है। मैं वर्षा बोल रही हूँ। आप बोलिए। भावना आंटी को फोन दो प्लीज। बा, चुप रहे। बिल्कुल चुप। चुप रहने को कहा ना तुझे? तो बराबर। मुझे चुप रहने को बोला है, तो आप मुझसे बात कीजिए। भरवी प्लीज, भावना आंटी से बात कराओ मेरी। मानव, तेरे घर कोई घोटालों का किसी का फोन आया था बेटा?
नहीं ऐसा तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। भैरवी 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 सुनो प्लीज प्लीज मेरी बात करवाओ अपना आंटी से। कराती हूँ। चुप एकदम चुप। जिस किसी का भी फोन है उसके साथ बात कर और उसका दिमाग खा मेरा मत खा। मुझे आपका दिमाग खाने को बोला है। भैरवी भैरवी लिख करो कहो कि वर्षा भाभी है फोन पे। वर्षा भाभी ऐसे चिल्लाओ। हाँ। हाँ। फोन पे वर्षा है फोन पे वर्षा है। पागल तुझे समझ में नहीं आता है। भावना आपने सुना नहीं क्या बोल रही है फोन पे वर्षा है वर्षा फोन लो। हेलो मैं वर्षा बोल रही हूँ। हाँ। सुनो गुलुबा का कोई आता पता नहीं है लेकिन बसंत शरद हेमंत गिरफ्तार हो गए। ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगता है ऐना रसीला ने जो गुलुबा की भतीजी की शादी का एड्रेस दिया था ना वो गलत है। तुम एक काम करो ऐना रसीला को फोन करो और गुलुबा कहाँ आने वाला है उसका असली पता ढूंढने की कोशिश करो। हाँ वर्षा भाभी मैं फोन लगाने की कोशिश करती हूँ लेकिन आप एक काम करिए जब तक ये मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता आप लोग ना कहीं गायब हो जाइए अंडरग्राउंड हो जाइए। अंडरग्राउंड? हाँ ऐना मैं जमीन में कैसे घुस सकती हूँ। ओह माय गॉड आई डोंट बिलीव दिस वर्षा भाभी मैं लिटरली जमीन खोद कर नीचे घुसने की बात नहीं कर रही हूँ। मुंबई में कोई रिश्तेदार तो होंगे ना आपके? पता नहीं। आपको पता नहीं? पता नहीं 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 पता है ना मैं ढूंढ लूंगी किसी को। मैं चुप जाऊंगी तुम मेरी टेंशन मत लो। तुम किसी भी तरह बसंत हेमंत शरद और खास करके ओझा अंकल को बचाओ प्लीज। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है ना प्लीज। मैं जानती हूँ वर्षा भाभी मैं कोशिश करूंगी ओके। हाँ आप फोन रखिए और हाँ प्लीज कॉन्टेक्ट में रहिएगा ओके। हाँ थैंक यू भैया मैं कहाँ गायब हो जाऊँ? अब वो नहीं पता। नहीं नहीं मैं आपसे बात नहीं करती। मानव हमें किसी भी तरह रसीला के जरिए गुलुबा कहाँ जाने वाला होगा और पता लगाना होगा और कुछ भी करके असली गुलुबा को ढूंढ निकालना होगा ओके ओके। कड़ी नजर रखना इन चारों पर और खास करके इस गुलबा पर। पापा इन पे खास नजर और हम पे शादी वाली। ये तो क्लीन पारसी लेडी है। पारसी लेडी बोला बोला गिरना बोला। पारसी लेडी क्या होता है? क्लीन पार्शियलिटी होती है ना सर। पार्शियलिटी पारसी लेडी तो वो हैप्पी होम सोसाइटी में जो मिसेस गुलशन वाड़िया रहती है ना वो जैसे बोलती है ना मारा जमशेद तुम्हारी जेबी आंटी ने पन शेड से वो ऐसा जो बोलती है ना वो होती है पारसी लेडी। करके क्या देख रहा है? इसको तो कल कंफर्म काला पानी की सजा होगी। हाँ हाँ वेरी गुड। इसको नहीं आपको। इंस्पेक्टर साहब ये काला पानी की सजा आखिर होती क्या है बताइए तो सही। काला खट्टा नहीं होता है ये तो आपने बता दिया है तो। हाँ और गटर का काला पानी नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते ऐसा भी आपने बताया था तो। अरे झालर परिवार ये काला पानी की सजा मतलब किसी बंजर टापू पे काल कोठरी में पत्थर तोड़ने की सजा जो कल अदालत मारे को सुनाने वाली है। घोटाला माना कि थारा इरादा गलत नहीं था पर थारी बात मानकर गुलूबा बनकर सरहद पार करके मैं कहां फंस गया हूं देखो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.